भर में है चुनाव का माहौल। भीषण गर्मी में नेता कर रहे हैं प्रचार, फिर भी दिखते हैं एकदम स्टाइलिश। क्या सूती कपड़े हैं नेताओं की पसंद, या ट्रेडिशनल कपड़ों से लुभाना चाहते हैं वोटर? एक तरफ गर्मी पूरा जोर पकड़ रही है, वहीं देश भर के नेता इसी गर्मी में चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तेज धूप में रैलियां निकालते, भाषण देते और लोगों को लुभाने के लिए नेता जो पहनावा चुनते हैं वो ज्यादातर कॉटन के कपड़े होते हैं और उनके रंग भी हल्के होते हैं या फिर सफेद ही होते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी डिंपल यादव तक लगभग हर फीमेल पॉलिटिशियन साड़ी पहनना पसंद करती है, फिर चाहे वो किसी भी रंग की हो या किसी भी तरह की हो। यूं तो आजकल साड़ी पहनना लोग बहुत मुश्किल का काम समझते हैं, लेकिन तमाम नेता तपती गर्मी में भी साड़ी को पहली पसंद बनाकर एक संदेश देती नजर आ रही हैं। इस बार का चुनाव हो या पिछला, प्रियंका गांधी हो या महुआ मोहित्रा, वे रैलियों में साड़ी पहने नजर आ रही हैं। वे साड़ियों में जितनी क्लासी और एलिगेंट लगती हैं, उतनी ही कंफर्टेबल भी दिखाई देती हैं। साड़ी दिखने में जितनी अनकंफर्टेबल लगती है उतनी होती नहीं है, और सूती साड़ियां हल्की होती हैं और गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। तभी पॉलिटिशियंस भी गर्मी की परवाह किए बिना साड़ी पहनकर चुनावी मैदान में उतरती हैं। प्रियंका गांधी के स्टाइल की बात हो और उनकी दादी यानी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इंदिरा गांधी को भी साड़ी पहने देखा जाता था। अगर हम कहें कि प्रियंका फैशन के मामले में उनके ही नक्शे कदमों पर चल रही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हूबहू कपड़े पहनने का अंदाज और उनका हेयर स्टाइल हम सबको इंदिरा जी की याद दिलाता है। नेताओं को कॉटन के कपड़े पसंद आते हैं, इस बात को तो झुठलाया नहीं जा सकता। बात सिर्फ उम्र दराज नेताओं की नहीं है, युवा नेताओं की भी पसंद सूती कपड़े बन गए हैं। कॉटन के कपड़े न सिर्फ कंफर्टेबल होते हैं बल्कि ये गर्मी में पसीना सोखने और स्किन रैशेस से बचाने का भी काम करते हैं। साथ ही कॉटन की साड़ी हो, सूट हो या फिर कुर्ता पजामा, सब काफी स्मार्ट लुक देते हैं। कॉटन का फैब्रिक बनाने के लिए कॉटन के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन के पेड़ में फल निकलते हैं, जब ये फल फूल बनते हैं तब उसमें से कपास यानी कॉटन मिलता है, जिससे सूती कपड़ा बनाया जाता है। सिर्फ कॉटन ही नहीं, नेताओं को लिलिन और खादी के कपड़े पहने भी खूब देखा जाता है। लिलिन और खादी के कपड़े पहनने के भी काफी फायदे होते हैं। ये न सिर्फ स्टाइलिश लगते हैं बल्कि ये आरामदायक भी होते हैं। अगर आप समझते हैं कि लिनन फैब्रिक कॉटन ही होता है तो ऐसा नहीं है। जहां सूती कपड़े को कॉटन के पेड़ से बनाया जाता है, वहीं लिलिन को फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से बनाया जाता है। लिलिन को मशीनों के जरिए बनाया जा सकता है, वहीं खादी को चरखे पर हाथों से बनाया जाता है और ये भी फ्लैक्स प्लांट से ही तैयार होता है। लिलिन और खादी के कपड़ों की जो खास बात होती है वो है इसका हर मौसम में काम आना। ये कपड़ा गर्मी में ठंडक देने का काम करता है और सर्दी में गर्माहट का एहसास करवाता है। अब जहां बात नेताओं के कपड़ों की होती है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किए बिना बात पूरी कैसे हो सकती है? प्रधानमंत्री ने जो स्टाइल स्टेटमेंट सेट किया है वो कोई और नेता क्रॉस कर पाए, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। पीएम मोदी का कुर्ता पजामा हो या मोदी जैकेट, अब बाजार में भी ये मोदी जैकेट के नाम से ही मिलते हैं। ऐसे ही पहले चाचा नेहरू ने भी अपने पहनावे से सबका दिल जीता हुआ था। उनके नेहरू कोट हो या नेहरू जैकेट, आज भी लोग इन्हें पहनना पसंद करते हैं और नेताओं के तो ये फेवरेट हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुनावी रैलियों में हिमाचल के ट्रेडिशनल कपड़ों में देखा गया। किन्नौर गईं तो उन्होंने किन्नौरी आउटफिट पहना, जिसमें वुलन ब्लाउज, वुलन स्कर्ट और एक शॉल है जिसे दोहरू कहा जाता है। चंबा गईं तो कंगना चंबा की पोशाक लुआनचारी पहने नजर आई। कुल्लू में चुनाव प्रचार करने के लिए रनौत ने कई हिमाचली टोपी और कुल्लूवी पट्टू पहनी थी। इनके अलावा राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्रिंसेस दिया कुमारी को भी राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़ों में देखा जाता है। लहरिया साड़ी से लेकर बांधनी साड़ी तक दिया के कपड़ों में भी भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है।